आज के इस पावन पर्व पर हमारा जो ये 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, भारत माता के स्वाभिमान के लिए, तिरंगे की आन बान शान के लिए, अपने देश के लिए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी संस्था के आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी सम्मानित प्रवक्ता और हमारी संस्था के सभी कर्मशाला निदेशक, स्टाफ एवं प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज के इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश में ये एक ऐसी परंपरा रही है कि हमने जब भी कभी किसी भी त्योहार को मनाया, किसी भी दिन को मनाया, तो उसे पूरे गर्व और हर्षोल्लास के साथ मनाया है। 15 अगस्त भी हमारे लिए एक त्योहार ही है, एक पर्व है, खुशी का पर्व है, क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, हमने वो गुलामी की जो जिंदगी है वो नहीं देखी। तो आज जिन देशभक्तों ने हमारे देश के लिए जान दी, अपना समर्पण किया, बलिदान दिया, आज उनको नमन करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इस तिरंगे के लिए अपने जीवन में जब भी कभी भारत माता के लिए कार्य करने का अवसर मिलेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, कभी शाम न होने देंगे, आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की शहादत बदनाम न होने देंगे, आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की शहादत बदनाम न होने देंगे, जब तक बाकी है एक बूंद भी लहू की, जब तक बाकी है एक बूंद भी लहू की, माँ कसम भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। ये जुनून, ये जज्बा हम सबके अंदर होना चाहिए। बांध लिया कफन सर पे तो फिर रुकना कैसा, जब बांध लिया कफन सर पे तो फिर रुकना कैसा, आजादी की लड़ाई में पीछे हटना कैसा, जब बांध लिया कफन सर पे तो फिर रुकना कैसा, आजादी की लड़ाई में पीछे हटना कैसा, रौंद देंगे दुश्मन की हर एक आवाज को, रौंद देंगे दुश्मन की हर एक आवाज को, जब सीने में लगी हो गोली तो मौत से डरना कैसा, तो मौत से डरना कैसा। तो ये जुनून जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। जिन देश भक्तों ने हमारे देश के लिए खून बहाया, अपनी जान दी, भारत माता की सोगंग कि हम उनके पद चिन्हों को नहीं मिटने देंगे, तो ये संकल्प लेकर आप यहाँ से जाए कि जब भी आपको देश के प्रति कोई भी कार्य करने का अवसर मिले तो आपका कदम आगे ही बढ़े, पीछे ना हटे, ना झुकेंगे ना बिकेंगे, ना झुकेंगे ना बिकेंगे, ना डरेंगे ना हटेंगे, ना झुकेंगे ना बिकेंगे, ना डरेंगे ना हटेंगे, हम भारत माता के बेटे, हम भारत माता के बेटे फिर से नया इतिहास लिखेंगे, फिर से नया इतिहास लिखेंगे। देश के प्रति ऐसी समर्पण की भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आए आप भी, बच्चे लोग भी, तो पूरी ताकत के साथ कुछ ना कुछ बोलने की हिम्मत रखे। तो मुझे तो जैसे हर कर्म अपना करेंगे है वतन तेरे लिए, तो इससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता कि जब हमने सारी चीजें देश के लिए करनी है तो इससे बड़ा मुझे लगता है कोई पूजा है ही नहीं। सबसे बड़ी पूजा अगर कोई है या भक्ति है तो देशभक्ति है, राष्ट्र पूजा है। अगर किसी के पास ये राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र पूजा है ना, तो वो कहीं भी हो, किसी भी जगह वो विजयी रहेगा, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। भारत की मिट्टी का इतिहास रहना चाहिए, तिरंगे का हरदम स्वाभिमान रहना चाहिए, भारत की मिट्टी का इतिहास रहना चाहिए, तिरंगे का हरदम स्वाभिमान रहना चाहिए। हम रहे या ना रहे इस बात की परवाह नहीं, हम रहे या ना रहे इस बात की परवाह नहीं, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद रहना चाहिए, हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद रहना चाहिए।